हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंडियन फूड भारतीय खाना में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं मूंग दाल के लड्डू। ये लड्डू बच्चों व बड़ों को हेल्थी रखने के लिए आप मूंग दाल के लड्डू बनाकर दे सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। लड्डू बनाने के लिए मैंने ली है 200 ग्राम दाल ली है मैंने पीली वाली बिना छिलके की, 200 ग्राम बूरा, 250 ग्राम घी देसी, ड्राई फ्रूट में मैंने बादाम और काजू लिए और 1 चम्मच इलायची पाउडर लिए। अब सबसे पहले हम दाल को भून लेते हैं। सबसे पहले हम दाल को भूनने के लिए कढ़ाई लेते हैं, इसको कम आंच में हम हल्का भून लेंगे, हल्का ब्राउन होने तक, थोड़ा सा लुचैन हो जाए। हमने दाल को 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है, इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसको बर्तन में निकाल लेंगे। हम थोड़ा दाल को ठंडा करके इसको पीस लेंगे मिक्सर में डालकर। एकदम बारीक पीस लेंगे। हमने दाल को पीस लिया। अब हम लड्डू बनाने के लिए कढ़ाई लेते हैं, इसमें घी डाल देते हैं, थोड़ा सा घी रख लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो बाद में डालेंगे। इसको मेल्ट होने देते हैं। हमारा घी मेल्ट हो गया है, अब हम इसको आटे को इसमें डालते हैं, मूंग की दाल के आटे को। गैस को हमको मीडियम कर देना है, बिल्कुल कम, और इसको लगातार चलाते हुए हम सेकेंगे इसको। हमको इसका थोड़ा हल्का कलर चेंज होने तक भूनना है, इसको लगातार चलाते रहेंगे हम। लगभग हमने 5 मिनट इसको और भून लिया है, और हमने दाल को भून लिया तो हम इसको ज्यादा नहीं भूनेंगे। इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसमें खुशबू भी आने लग गई है। और इसमें ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। अब गैस को बंद कर देंगे, इसमें चीनी डालेंगे, बूरा, इलायची पाउडर, इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब थोड़ा ठंडा होने के लिए हम रख देंगे, फिर इसके लड्डू बना लेंगे। हमारे लड्डू का मिश्रण ठंडा हो गया है, अब हम लड्डू मांगते हैं। जितना हमको लड्डू बनाना है उतना हम लेंगे, दोनों हाथों से गोल गोल बनाएंगे। हल्का सा हमको गर्म लेना है इसको, ज्यादा ठंडा नहीं करना है, ये तो बनाए नहीं जाते लड्डू। अच्छे से बन गए लड्डू, प्लेट में बनाते जाए। आप ऐसे सारे लड्डू बना ले। हमारी मूंग दाल के लड्डू तैयार हैं, आप इनको जरूर बनाकर देखें, ये बहुत टेस्टी बनते हैं।